स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज हम लोगों का ये कौन सा क्लास है, दसवां क्लास है। 9 क्लास हो चुके हैं और 9 क्लास में मैट्रिक्स के साथ साथ डिटरमिनेंट के भी कुछ हम लोग पार्ट पढ़े हैं और आपको हम बहुत सारे होमवर्क कराते हैं। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि होमवर्क अच्छा ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर्स। मतलब माइनर का हिंदी क्या होता है, उपसारणिक होता है, इसका हिंदी होता है सहखंड। तो हिंदी वाले भैया आप लोग भी लिख लीजिएगा, उपसारणिक एवं सहखंड। एक और बात कहना चाहते हैं कि जब भी आप मेरे क्लास को देखिए, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे अपने जो भी क्लोज फ्रेंड्स होंगे उनके पास शेयर कीजिए। आप लोग कोचिंग करते हैं, क्लासेज करते हैं, जहाँ भी हैं इंडिया के किसी कोने से जुड़े हैं, आप लोग अपनी क्लास में मेरे चैनल के बारे में डिस्कस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, इस सीरीज के बारे में बताइए कि क्रैश कोर्स चल रहा है, उनको इस वीडियो को शेयर करा के थोड़ा सा बोलिए कि कॉन्टेक्ट करें, जुड़े, सब्सक्राइब करें। आप लोग का सहयोग मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और जब आगे बढ़ेंगे हम भी तो आप लोग को अच्छा से और मन लगाकर पढ़ाएंगे। ये आज की कहानी नहीं है, आज आप पढ़ रहे हैं, कल और बेहतर होगा तो आपके भाई बहन पढ़ेंगे और हमेशा हम एक बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आप लोग जितना अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, लाइक करवाएंगे, तो इससे क्या होगा, मेरा जो मोटिवेशन क्या बोलते हैं कि मनोबल जो है वो अच्छा रहेगा, बढ़ेगा और आपका लाइक सब्सक्राइब और जो आपका मतलब कि इंटेंशन रहेगा मेरे प्रति देखने का, व्यू जितना बढ़ेगा वो हमको सारी बातें मोटिवेट करेगा। तो मतलब कि इसलिए कभी कभी क्लास हम ड्रॉप कर देते हैं, देखते हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं इतना बढ़िया मन से और बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, चलिए पढ़ा जाए। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, देखिए डिटरमिनेंट की कहानी है, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। टू द पॉइंट का मतलब होता है कि वो उतना ही जानो जितना जरूरत है अभी, क्लियर। यहां देखिए एक मैट्रिक्स अगर लेते हैं ए आई जे एम बाई एम, एम बाई एम क्या बता रहे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, यहां पे क्या माने कंडीशन है देखिए अच्छा से। तो यहां एम बाई एम भी हो सकता है और एन बाई एन भी हो सकता है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए यहां पे इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, ऐसा ही ना सूचित करते हैं, क्लियर। अब इस डिटरमिनेंट के अंदर कोई एलिमेंट आता है ए आई जे, समझिए। तो यहां लिखेंगे यहां पे, अब यहां से कहानी शुरू होती है, माइनर माइनर ऑफ ए आई जे बराबर लिखेंगे एम आई जे। सुनिए, इस डिटरमिनेंट के अंदर एक एलिमेंट क्या लिया हमने, ए आई जे लिया। भाषा जो बोल रहे हैं हम उसको सुन लीजिए, उस बात को लिखना जरूरी नहीं है। इसी बात को हम क्लास में या जो मेरा डिटरमिनेंट का लेक्चर सब है उसमें देखिएगा तो क्या किए हैं, हम पूरा भाषा लिखवाए हैं एक एक कट्ठा में। तो अब थोड़ा सा क्रैश कोर्स चल रहा है तो भाषा से बचेंगे तभी तो फायदा होगा ना। अब यहाँ से एक मकसद होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ये नहीं कि कितना अच्छा से आप कंसेप्ट कितना अच्छा से भाषा सजा सजा लिखे हैं। सुनिए, तो डिटरमिनेंट के अंदर इसी के अंदर एक एलिमेंट क्या सोचा हमने, ए आई जे ले लिया, ठीक है ना। अब इस ए आई जे का जो माइनर होगा उसको डिनोट करते हैं ऐसे, कमेंट पर फोकस ना कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, एम आई जे से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। एम आई जे क्या बताता है कि ए आई जे का एक माइनर है, ठीक है ना। और सुनिए, एम आई जे माइनर हो गया, ठीक है ना। और ये क्या होता है, लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का मान ही होता है ऑब्टेंड बाई ऑब्टेंड बाई डिलीटिंग आईथ रो एंड जेथ कॉलम। अब थोड़ा सा डराइएगा नहीं अंग्रेजी हिंदी देखकर, देखिए समझिए, एक मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ सुनिए, एक मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसका डिटरमिनेंट ऐसे ही लिखेंगे ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें मान लीजिए कि एक एलिमेंट है ए आई जे, तो इसके इस एलिमेंट के माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं एम आई जे के द्वारा।
माने MIJ क्या है, AIJ का माइनर है, उपसारणिक को बता रहा है। और ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का एक मान होता है, ऑब्टेन्ड बाई को मान दिया, ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग आईथ रो एंड जेथ कॉलम। कैसे हम इसे प्राप्त करते हैं, आईथ रो मतलब आईवे पक्ति और जेवे कॉलम को डिलीट करके प्राप्त करते हैं। तो अब इस बात को समझना पड़ेगा बढ़िया से ना, सब्र कीजिए, हम पढ़ा रहे हैं ना, जब बाकी सब क्लासेज किए हैं आप, तो इस क्लास में भी आपको समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि आप जानते हैं जब भी पढ़ाते हैं हम तो क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे कंसेप्ट को बनाते हैं, माइंड में डालते हैं, क्वेश्चन यूं ही बन जाता है ना। तो लाइक ठोकी एक बार इसी बात पे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, देखिए अगर आपको ये लिखा गया है, देखिए AI मतलब अगर लिखा गया है M11, इसका मतलब क्या हुआ, माइनर ऑफ क्या चीज, A11। अगर लिखा गया है आपको M23, इसका मतलब क्या हुआ, माइनर ऑफ A23। मतलब कोई एलिमेंट A11 है, इसका माइनर क्या हो जाएगा, M11 दिखाएगा। M23 की बात करेंगे, क्या सोचेंगे हम लोग कि A23 की माइनर की बात की जा रही है। बात समझ में आ गया ना, क्लियर। अब आते हैं एग्जांपल पे, एक यहां लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द माइनर निकालना है, किसका माइनर निकालना है, क्या दिया है, 1, 2, 3, 4 ये सब में जितने एलिमेंट है सबका माइनर निकालना है। चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, यहां देखिए सॉल्यूशन करने का शानदार तरीका यही ना दिया है, लेट करेंगे, लेट डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 लिख लिया हमने, इसलिए यहां पे M11 क्या होगा बोलिए, इसके पास जाएंगे हम, इसका माइनर कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको डिलीट कर देंगे, इसके कॉलम रो को डिलीट कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या बच गया, 4 बच गया, और 4 का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 4 आ जाएगा। समझ पा रहे ना। अब चलेंगे हम लोग M12 के पास, मतलब M12 मतलब A12 का माइनर पूछा जा रहा है, इसके पास गए हम 2 के पास, डिलीट कर देंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब आते हैं M21 पे, हम आए हैं इसके पास ना, डिलीट कर दिया 2 आ जाएगा, तो का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा M22 हम आए हैं इसके पास, डिलीट 1 का डिटरमिनेंट कितना होगा, 1 होगा। अब सिंपल सी बात समझिए यहाँ पे अच्छा से कि कैसे निकला है, ये किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, माइनर निकालने की बात हो रही है, तो उसके जस्ट रो को और कॉलम को ऐसे मार दो जो बच जाए उसके बारे में सोचो। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिए हैं आपको हम कि माइनर कैसे निकालते हैं, पहले माइनर को वाला जब कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा ना, फिर कोफैक्टर वाला बात आपको समझाएंगे, अब बिल्कुल लॉजिकल, और फिर आपको ये भी सिखाने वाले हैं कि इस सब का यूज करके कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, फिर इनवर्स कैसे निकालते हैं, है ना, बड़ा मज़ेदार ये क्लास रहेगा। तो नोट कीजिए इसे बढ़िया से आप लोग, ठीक है ना, नोट तो करना ही पड़ेगा आप लोग को, क्लियर। सॉरी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहां देखिए, यहां पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे कि फाइंड माइनर्स, ऑफ एन एलिमेंट्स, मतलब दिए गए एलिमेंट से माइनर निकालना है आपको। तो यहां देखिए दिया गया है 2, -3, -4, -4, -7 और माइनस वाला लाने का मकसद क्या था मेरा समझिए। बहुत लोग डिटरमिनेंट को मॉड समझ के काम गड़बड़ कर लेते हैं, मॉड अलग चीज होता है, डिटरमिनेंट अलग चीज होता है। और सुनिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको, जल्द ही हमारा 1 short series आने वाला है, जितने भी क्लास 11th में मतलब चैप्टर्स हैं उनका 1 short series आ रहा है,
और उसको आप लोग जरूर देखिएगा, या अपने क्लास 11 के भाई बहनों को जरूर दिखाइएगा, या जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो देख सकते हैं। तो वन शॉट वाला सीरीज पर डे नहीं होगा, वो कुछ इंटरवल पे आएगा। वो जब आपको जब उसका जब कंटेंट बनकर रेडी हो जाएगा, तब वन शॉट में आपको बिल्कुल कम समय में ज़्यादा मटेरियल देंगे और आप कोई बुक उसके बाद फॉलो कर सकते हैं। तो बस एक नया तरीका सोच रहे हैं, नया काम करने का, और आपका सीरीज रेगुलर चलता रहेगा ऐसा, ठीक है ना। और कुछ लोग का शिकायत है कि सर कभी कभी आप 30 मिनट तक क्लास करा के छोड़ देते हैं, 1 आवर का होना चाहिए। मेरे भाई अगर 1 आवर करा देंगे क्लास, जब करा देंगे ना हम लगातार इसका, तो हमको लगता है कि 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो होमवर्क भी करना रहता है, ये चैप्टर वाला सब पढ़े होंगे बढ़िया से आप लोग, समझे ना, बना होगा। तो कितना लोग होता है कि सर बना है आगे बढ़ाइए ना, तो समझिए ना दोनों मैंने पतीसी पूरा झाड़ देंगे आप लोग का, समझिए ऐसा सोचिएगा, तो बुरा मत मानिएगा। लेकिन ऐसा सोचा है अगर मन में कि सर हो जाएगा चलिए ना, तो पूरा 32 का 32 दांत बाहर करने में कोई गुनाह नहीं है, हो जाएगा नहीं है। पढ़े नहीं पढ़े मुझे मालूम नहीं है, आपको भी कह रहे ना पढ़ने के लिए, पढ़ना पड़ेगा। आपको कह रहे हैं कि होमवर्क बनाइए, होमवर्क बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सीरीज कंप्लीट होगा। ये सीरीज हमारे कंप्लीट करने से नहीं होने वाला है, आप सब जब कंप्लीट समझेंगे तब होगा कंप्लीट। चलिए यहाँ देखिए सॉल्यूशन में लेट लिख लेंगे, लेट डेल्टा बराबर लिख लेंगे बस, और नहीं लिखे तभी कोई बात नहीं है, तरीका है मेरा अपना बनाने का। चलिए देयरफॉर M11 मीन्स इसके पास गए, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, क्या आया -7। -7 का मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है -7 ही होगा। चलिए M12 हम चले गए इसके पास, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, -4 आया, -4 का क्या होगा, सेम टू सेम लिख देंगे, -4 का 4। M21 आ गए यहाँ पे, तो डिलीट और डिलीट, डिलीट हो गया, डिलीट क्या हो गया, -3 का क्या हो गया, -3 होगा। और M उसके बाद 2 2, देखिए हम आ गए इसके पास, डिलीट और डिलीट क्या आएगा, 2 2 का मॉडुलस क्या होगा, 2 ही होगा, 2 का मॉडुलस नहीं, सॉरी डिटरमिनेंट, मॉडुलस नहीं पढ़िएगा, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 ही होगा। तो यही आपके क्या हो गए, माइनर्स हो गए, समझ गए ना। अब कोफैक्टर की बात है ना, माइनर आ गया तो कोफैक्टर आ जाएगा। तो यहीं पे देखिए एक लाइन में हम बता रहे हैं कोफैक्टर का मतलब क्या है, कोफैक्टर समझिए, कोफैक्टर्स देखिए इसको डिनोट करते हैं हम लोग CIJ, मतलब AIJ कोई एलिमेंट है, इससे कोफैक्टर क्या होता है, CIJ या AIJ से डिनोट करते हैं, या तो CIJ से डिनोट करेंगे या हम लोग AIJ से डिनोट करेंगे, क्लियर, CIJ या AIJ से डिनोट करेंगे हम लोग। और सुनिए यहाँ पे क्या होगा, AIJ ज़्यादा फेमस है, तो AIJ बराबर होता है -1 का पावर आई प्लस जे, और MIJ देखिए आ गया ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा यहाँ पे, क्लियर, कि AIJ बराबर क्या होता है, MIJ कहीं कहानी है ना, बस खाली थोड़ा सा चेंज हुआ है, -1 के पावर i+j हुआ है। अब -1 के पावर, अच्छा सुनिए, -1 के पावर अगर 2 होगा तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, -1 का पावर 4 होगा तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, मतलब -1 का पावर इवन नंबर आएगा तो क्या होगा, प्लस में आंसर आएगा, और -1 के पावर 3 रहेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 के पावर 5 रहेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, मतलब -1 का पावर इवन होगा तो आंसर प्लस में आएगा, -1 के पावर क्या होगा, मतलब कि इवन होगा तो आंसर प्लस में आएगा, ऑड रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा। तो अब सुनिए इसका भी लॉजिक है, इस बात को भी दिमाग में सेट कर लीजिए, आगे बताने वाले हैं हम, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चलिए आइए आगे देखा जाए क्या चलता है। चलिए लिखिएगा यहां पे, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ
फाइंड द कोफैक्टर्स, कोफैक्टर यहाँ पे निकालने की बात हो रही है किसका। तो चलिए दिया है 1, 2, 3, 5, -6, चलिए ऐसे दिया गया है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट डेल्टा है 2, 3, 5, -6, अपने मर्जी से लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बस। चलिए लिखेंगे देयरफॉर A11 इसके पास गए, सेम टू सेम माइनर का काम करेंगे हम लोग, सुन लीजिए जिस तरह माइनर निकला वैसे ही कोफैक्टर निकलेगा। इसके पास गए डिलीट, और डिलीट क्या मिलेगा -6 का यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं जो क्या होगा -6 में होगा। लेकिन सुन लीजिए फिर माइनर में कोफैक्टर में अंतर क्या हुआ, जब सर असाइन कर दिया अंतर हुआ, इसको जोड़ेंगे मतलब जो AIG आप निकालने जा रहे हैं उसमें क्या करेंगे हम लोग इस i+j को जोड़ेंगे। और ये दो चीज़ हो सकता है, या तो इवेन होगा सम संख्या होगा, या तो ये ऑड होगा, क्या होगा ऑड होगा। अगर इवेन हुआ तो नो चेंज NC, और ऑड होगा तो क्या होगा माइनस लगा देंगे। समझिए बढ़िया से, यहाँ पे यही चीज़ बस जानना है। दोनों को जोड़ा, एक और एक कितना होता है, एक और एक कितना होता है दो होता है, दो होता है तो नो चेंज, जैसा आया लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए A12 पर, इसके पास गए डिलीट कर देंगे और डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिया कितना होगा 5 का डिटरमिनेंट। लेकिन सुनिए आप यहाँ पे ई क्या है, ई बोलिए 2+1, 3 ना है, तो यहाँ देखिए यहाँ मिल रहा है ऑड, आप लिखिएगा नहीं समझिएगा, यहाँ मिल रहा है ऑड, क्या चीज़ दोनों का सम मिल रहा है ऑड, 1+2 कितना मिला हमको 3 मिला, और 3 क्या है ऑड है, तो ऑड क्या आएगा आपका माइनस आ जाएगा, ऑड है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो -5 क्लियर। चलिए A21 हम आ गए इसके पास, डिलीट और डिलीट 3 लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन फिर जोड़िए एक बार, 2 + 1, 2+1, 3 ना हो गया, 2+1, 3 ना हो गया, 2+1, 3, 3 क्या विषम है लगा देंगे यहाँ माइनस, तो क्या हो गया -3। अच्छा A22 इसके पास गया डिलीट और डिलीट 2 आ गया, 2 दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है इवन आ रहा है, सम संख्या रहा है 2+2, 4, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा 2 का 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, फिर समझिए एक और चीज़, ये समान के चले दिया एग्जाम्पल यहाँ पे कि आपको निकालना है 1, 3, 5, 7 इसमें निकालना है, ठीक है ना। चलिए एक माइनस में कहते हैं यहाँ पे, तो चलिए अब निकालेंगे हम लोग A11 फटाफट देखिए, इसके पास गया डिलीट और डिलीट, डिलीट कर दिया -3 है, डिलीट हुआ कितना बजा 7, 7 का डिटरमिनेंट क्या होगा 7 होगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का जोगफल विषम है कि सम है, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर इवन आ रहा है तो क्या होगा आपका नो चेंज होगा। A12 लिया हमने, इसके पास गए डिलीट कर दिया 5 मिला, 5 का डिटरमिनेंट, लेकिन अब दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या हो रहा है 2+1, 3, 3 विषम है तो लगा देंगे यहाँ पे विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा -5। फिर लीजिए अब यहाँ पे A21 आप आ गए इसके पास, डिलीट और डिलीट क्या दिखा आपको -3 दिखा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब थोड़ा जोड़िए दोनों को, 2+1, 3 हुआ, इन दोनों को जोड़ना है बस, इधर क्या रहा है कोई मतलब नहीं, इधर जोड़िए 2+1, 3, 3 माइनस लगा देंगे तो -3 कितना होगा +3 होगा। और A22 निकालने जा रहे हैं, इसके पास गया डिलीट और डिलीट 1 आ गया, 1 का डिटरमिनेंट, और 2+2, 4 सम संख्या है कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 का 1। समझ गए ना, अब इतना सारा एग्जांपल में समझ में नहीं आएगा तो अब कहिया समझ में आएगा, मतलब किसी भी एलिमेंट के पास जा रहे हैं, जैसे मान के चलिए इसके पास गए A11 के पास गए, तो इसके पास गया डिलीट कर दिया इसका आराम से क्या लिख देंगे हम, डिटरमिनेंट लिख देंगे। यहाँ लिखने के बाद एक बार चेक करेंगे ये दोनों कि दोनों का जोगफल क्या है, सम क्या है, तो 1+1, 2 दू सम संख्या है कि विषम संख्या है, 2 क्या है सम संख्या है, जब सम संख्या आएगा तो चेंज नहीं होगा, सम टू सम लिख देंगे। इसके पास गए थे A12 का मतलब A12 3 के पास गए डिलीट किया 5 आया, लिखा क्या हमने डिटरमिनेंट ने 5, लेकिन एक बार चेक किया कि 1+2, 3
तीन क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। ऑड में क्या लगेगा, माइनस, इवन में नो चेंज। अब बात समझ में आ गया ना आपको, अब सुनिए बढ़िया से मेरी बात को, अच्छा से और अच्छा से। माइनर में ये सब झंझट नहीं है, सारा झंझट कहाँ पे है, कोफैक्टर में। स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से, समझ में आया ना बात। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे, तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन एक, जैसे कह रहे कि फाइंड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालने की बात हो रही है, उप शाखंड निकालने की बात हो रही है। चलिए क्या दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिटरमिनेंट दिया गया है, ठीक है ना। अब सुनिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम गए यहाँ पे A11 के पास, सुनिए बढ़िया से, इसके पास गए हैं, डिलीट कर देंगे पूरा का पूरा, पूरा डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा, 5, 6, 8, 9 डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे। अब देखिए एक बार दोनों को चेक कीजिए, 1+1 2 आया, 2 क्या इवेन नंबर है, 2 क्या इवेन नंबर है, तो क्या होगा आपका, इवेन नंबर है, इसलिए क्या होगा हमारा, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, 9 5 45 - 8 6 48 कितना होगा, यह आ जाएगा -3। ये आंसर कुछ हुआ है उससे मतलब नहीं, यहीं पर बस देखना था। अच्छा यहाँ देखिए A12 हम आ गए इसके पास, डिलीट किया, डिलीट किया, 4 6 7 9 4 6 7 9। अच्छा सुनिए अब दोनों को जोड़िए, तो जरा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम है तो माइनस लग जाएगा। सॉल्व कीजिए, -9 6 36 - 7 6 42 ये कितना होगा, तो -6 + 6 हो जाएगा। अब आप आ गए वो A13 के पास, इसके पास आ गए, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, 4 5 7 8। चलिए अब देखिए दोनों को जोड़िए, 3 + 1 4 हुआ, 4 एक सम संख्या है, माइनस का झंझट नहीं है, तो 8 6 32 - 7 5 35 कितना होगा, -3 होगा। A21 इसके पास गया, डिलीट और डिलीट, 2 3 8 9 2 3 8 9। चलिए तो अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है, विषम संख्या आ रहा है, माइनस लगा देंगे, तो -9 2 18 और -8 3 24 आएगा, घटाने पर 6 - 6 हो जाएगा ये। तो ऐसे ही आप लोग आगे भी बना सकते हैं, इसका इसका सबका निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे आपको क्या क्या निकालने हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा A21 2 2, फिर आ जाएगा A23 इसका निकालना है, फिर आएगा A31, फिर आएगा A32, फिर आएगा A33। मेरे कहने का मतलब है गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ एलिमेंट है, तो नौ को फैक्टर निकालना पड़ेगा ना, मतलब सबका तो को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग को फैक्टर्स निकालने का काम करते हैं। अब एक बात बता रहे हैं आपको, इसमें थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से, ठीक है ना, उसको यहाँ प्रूव नहीं करेंगे, आगे से कंसेप्ट से समझाएंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहते हैं तो, हट गए ना हम। चलिए आइए अब कुछ देखा जाए, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, इसको समझने का प्रयास करने हैं आपको। देखिए यहाँ पे डेल्टा बराबर डिटरमिनेंट लेते हैं A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना, ऐसे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू जब निकालते हैं ना, सुनिए, तो आप मतलब किसी के कह देगा आपको, आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि फर्स्ट रो के एलिमेंट का कोफैक्टर का यूज करके आप इसका मान निकालें, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी का नाम रख के कह सकता है। जिस मान के जरिए हम फर्स्ट रो के लॉन्ग ले रहे हैं, ये फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका थर्ड रो है। सिमिलरली ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा, ये क्या होगा, थर्ड कॉलम। हम फर्स्ट रो के लॉन्ग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मान A11 ले लेंगे और इसी का कोफैक्टर बड़ा A11 प्लस A12 आएगा, और फिर क्या होगा, इसी का कोफैक्टर A12 प्लस A13 क्या हो जाएगा, A13। अच्छा, ये भी तरीका हो सकता है, अच्छा और भी तरीका हो सकता है, इसको ले सकते हैं आप A21, उसके बाद बराबर A21, फिर बड़ा वाला A21 प्लस छोटा A22 को फैक्टर उसका A22 प्लस A23, ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं, क्लियर, ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं, क्लियर। अब बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे मतलब इस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं, माने बहुत तरीके हो सकते हैं, मतलब हर हाल में एक बात आपको ध्यान देने वाली है, बात है कि इन दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। A11 है A11, A22 A22, A33 A13 A13, मतलब A11 A11, A12 A12, A13 A13, दोनों सेम होना चाहिए। कोई एलिमेंट उसका जस्ट क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, संगत कोफैक्टर होना चाहिए उसका। अगर कभी ऐसा हो कि सुन लीजिए बात को, ये इसका क्या, ये एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग और इसका कोफैक्टर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, याद रखिएगा। ये सब एलिमेंट रहेगा और इसका कोफैक्टर आएगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। किसी एक रो का कोफैक्टर और दूसरे रो का क्या होगा, दूसरे रो का क्या होगा, एलिमेंट होगा, तो क्या होगा, मतलब कि वैल्यू जीरो आएगा। नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ गया ना, स्क्रीन शॉट लीजिए, इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा, एक बार में आएगा समझ में, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम, ताकि आप लोग का दिमाग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट, किसको, किसका मान निकालना है, 538 2 0 2 1 0 1 1 2 3 1 2 3। मतलब क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा, एक बार समझने के बाद खटाक हो जाएगा, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे कि यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट, मतलब डिटरमिनेंट दिया गया है, इसका मान निकालना है और शर्त कह रहा है क्या कि सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर का यूज करके निकालिए। चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेट, मान लीजिए डेल्टा बराबर 538 2 0 1 1 2 3, है ना, और इसका अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि सेकेंड रो हमको फोकस करना है, इस रो पे, इस पे, ठीक है ना।
चलिए तो ई क्या है आपका, यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर ए टू वन, क्या है आपका टू है, तो आप निकाल लीजिए ए टू वन बड़ा वाला, इसके पास गए डिलीट करेंगे, डिलीट करेंगे क्या क्या बचेगा मेरे पास, तो थ्री एट, थ्री एट टू थ्री, टू थ्री, और जोड़िए एक बार, दो प्लस एक तीन, तीन विषम संख्या है, माइनस लग जाएगा, तो देखिए आ जाएगा माइनस, माइनस आ जाएगा कितना, तीन त्रिका नौ माइनस आठ दुना सोलह, तो ये जाएगा माइनस सात प्लस सात हो जाएगा ये। अच्छा सुनिए ए इसका निकालिए ए टू टू क्या है, जीरो है आपका, तो इसलिए ए टू टू क्या हो जाएगा, इसका निकाल रहे हैं डिलीट और डिलीट, क्या क्या बचेगा, पाँच आठ एक तीन, पाँच आठ एक तीन, चलिए दोनों का जोगफल क्या है, सम है, दो प्लस दो चार, सम होता है ना, इवेन होता है तो नहीं चेंज होगा, तो पाँच तरीका पंद्रह माइनस कितना आठ, कितना हो जाएगा सात हो जाएगा। एंड ए टू थ्री बोलिए ये क्या है आपका, एक है, तो ये हो जाएगा एक, तो इसीलिए आप बड़ा वाला निकाल लीजिए ए टू थ्री कितना होगा, तो डिलीट आ डिलीट, सॉरी डिलीट आ डिलीट, पाँच तीन एक दो, पाँच तीन एक दो मिलेगा, और देखिए दोनों का जोगफल पाँच है मतलब ऑड है, लग जाएगा विषम है तो लग जाएगा माइनस, सॉल्व कीजिए माइनस पाँच दूना दस घटाओ तीन सात होगा, माइनस सात आ गया, ये कितना आ गया माइनस सात, समझ गए ना, क्या आ गया आपका माइनस सेवन आ गया। अब क्या करने हैं हमको, अब क्या करने हैं हमको, आराम से इसका मान निकाल देने हैं, इसका मान निकाल देना है, तो इसीलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिखिए, देखिए यहाँ पे इसलिए डेल्टा बराबर क्या होगा, तो ए टू वन, ए टू वन प्लस ए टू टू, फिर ए टू टू दोनों सेम चाहिए, प्लस ए टू थ्री, फिर ए टू थ्री, चलिए मान रखिए, तो ए टू वन का मान कितना है, दो है, दो है ना यहाँ पे, दो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो है, दो है, तो लिखेंगे दो गुने इसका कितना माना है सात, प्लस जीरो गुने ये कितना आया है सात, प्लस कितना है ए टू थ्री का मान कितना है, देखिए ए टू थ्री का मान वन है, वन इंटू माइनस सेवन मतलब चौदह माइनस सात कितना होगा सात आएगा, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम की बात कह के आपसे सवाल पूछ सकता है इससे, इसलिए घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। अच्छा अभी हमने आपको जितना भी पढ़ाया ना, जितना भी पढ़ाया आपको हमने, इस बेस पर आप आराम से एनसीईआरटी बुक तो आपके पास है ही, उसी को तो फॉलो करवाते हैं हम, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.4 आप लोग देख सकते हैं, 4.4 आप लोग देख सकते हैं अभी इस बेस पे, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं, कहीं जाना नहीं है, और भी कुछ बातें आपको हम बता रहे हैं, समझ रहे, उसको भी समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको अच्छा से, तो स्क्रीनशॉट तो आप ले चुके हैं, तो थोड़ा सा मिटा कर आगे टॉपिक क्लियर करते हैं वो, और अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए अभी तक आपको इतने क्लास से मिल चुका है 4.4, हम बोल रहे हैं ना कि सिंपल सी बात है कि मेरे ख़त्म करने से ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे तब तक ख़त्म नहीं होगा, बात समझ रहे ना, तो मेरे ख़त्म करने चक्कर मत करिए, हम तो सिलेबस को बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, समझे ना, बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं, 60 क्लास बोले हैं ना, 60 क्लास ख़त्म हो जाएगा, मतलब जिस दिन से शुरू होगा 10 अगस्त से शुरू होगा है ना, उसके 60 डेज नहीं, मतलब 60 क्लास का मतलब बीच में छुट्टी उट्टी भी हो जा रहा है, छुट्टियाँ होंगी, दो दिन चार दिन गैप मतलब कभी कभी बीच में रहेगा ना, मतलब लगभग समझिए कि उस दिन से आप 2.5 महीना लेके चलिए ख़त्म हो जाएगा, 60 क्लास हमारा होगा, बस इतना जानिए। चलिए लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एड ज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, आवयव का सहखंडज, हिंदी तो इतना कमाल का मिलता है ना, मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक है, एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, आवयव का सहखंडज
है ना। चलिए देखा जाए, देखिए जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स आता ही है। अब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आया, लेकिन काम डिटर्मिनेंट से ही होगा। कोफैक्टर माइनर का जो बात हुआ है डिटर्मिनेंट से ना हुआ है, इसमें कोफैक्टर का खेल आता है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, बस देखना क्या है, बस समझिए। देखिए लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए कौन कौन, तो ए वन वन, सुनिए बढ़िया से, ए वन टू ठीक है ना, ए वन थ्री ठीक है, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री ठीक है, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, क्लियर। ये मैट्रिक्स हम ले लिए ठीक है। अब सुनिए बढ़िया से, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अब क्या करते हैं यहाँ से हम कि लिखेंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ इसको लिखते हैं थोड़ा और नीचे, इसलिए एडजॉइंट ए डी जे ए, इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे हम लोग एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग इसे पढ़ लेंगे ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है देखिए, तो इसका सभी का कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग, क्या होगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन सॉरी ए वन थ्री, इसका कितना होगा ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री और ए सॉरी बड़ा ए, ए थ्री वन, ए ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, ये हम लोग निकाल लेंगे। इसका मतलब जो मैट्रिक्स दिया है ना, इसके सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे और मैट्रिक्स में लिख के ट्रांसपोज कर देंगे। यही क्या देगा हमारा, यही हमारे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देगा, यही एडजॉइंट होता है क्लियर। अब कोफैक्टर क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या किया जाएगा इससे, मतलब क्या होने वाला है, ए वन वन ये हो जाएगा ए वन टू, ए वन थ्री ये हो जाएगा ए टू वन, ए टू टू, मतलब ये आ जा रहा है ऐसे, जो सोया वो खड़ा हो जाएगा। अब चलिए ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, इसमें क्या होगा, जो सोया है वो क्या होगा, वो खड़ा हो जाएगा ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा ठीक है। चलिए गुड, तो एग्जांपल लेते हैं, आइए एग्जांपल पे, इफ ए इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव है ना, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, निकाल लेना है इसको एडजॉइंट ठीक है। सोल्यूशन फटाफट करते हैं, चलिए देखिए यहां पे ए बराबर कितना दिया है, टू थ्री फोर फाइव। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा टू थ्री फोर फाइव, ऐसे कर लेंगे क्लियर। देयरफॉर इसलिए ए वन वन, इसका कोई फैक्टर निकालेंगे, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, पाँच आया, पाँच का डिटर्मिनेंट क्या होगा, पाँच होगा। ए टू सॉरी वन टू, वन टू इसके पास गया, डिलीट और डिलीट, डिलीट किया, डिलीट किया, चार आया। और देखिए यहाँ पे दोनों का योगफल कितना है, विषम है, तो लगा देंगे माइनस, माइनस चार। ये मॉडुलस मत पड़ेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है ठीक है ना। ए टू वन इसके पास गया, डिलीट और डिलीट, तीन, तीन का डिटर्मिनेंट दोनों को जोड़ेंगे, विषम है माइनस लग जाएगा, तो माइनस तीन। ए
टू टू, इसके पास क्या है डिलीट और डिलीट, क्या होगा दो बचेगा, दो का डिटर्मिनेंट क्या होगा दो होगा। अब ये सब को फैक्टर निकल गया, लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, तो लिखिएगा फाइव माइनस फोर और माइनस थ्री और दो, इसको लिख देंगे हम लोग और फिर ट्रांसपोज मार देंगे तो क्या होगा फाइव माइनस फोर माइनस थ्री दो, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब एक छोटा सा ट्रिकली बात भी समझ लीजिए यहाँ पे, जब आई बात को बात से समझना चाहते हैं तो ऐसे मान लीजिए दिया था क्या यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव है ना, ये दिया है ना, अब इसलिए आपको चाहिए एडजॉइंट ए, डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट जब टू बाई टू दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, करना कुछ नहीं है समझे ना, करना कुछ नहीं बस इन दोनों को आपस में चेंज करना है ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा फाइव और बाकी सेम टू सेम थ्री फोर टू हो जाएगा, तो इन दोनों को आपस में चेंज करना था और इन दोनों का क्या था, इन दोनों का जो था इन दोनों का साइन चेंज करना था, साइन साइन तो चेंज चेंज कर दीजिए, मतलब इन दोनों का जो डायगोनल है ना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है तो क्या करना था हम लोग को खाली इंटरचेंज कर देना था, जगह चेंज करना था, इन दोनों को सेम टू सेम लिख के चेंज चेंज कर देना था बस, ये ट्रिकली एक सेकेंड में माने दो सेकेंड में बन जाएगा सिंपल क्लियर, ये ट्रिक हो गया। तो एडजॉइंट भी आपको निकालने आ ही जाएगा नहीं आएगा, एडजॉइंट निकालने आ जाएगा। अब एडजॉइंट के ऊपर बहुत सारे क्या बोलते हैं मतलब कंसेप्ट है, बहुत सारा बात है इस पर, लॉजिक है देख रहे हैं हम क्लियर, जितने सारी बातें बताएं उतना क्लियर कीजिएगा, आगे भी देखिए एडजॉइंट के ऊपर बहुत सारे लॉजिक हैं, उसको आप मैंने कह रहे मतलब कि बना सकते हैं, क्रैश कोर्स में थोड़ा सा कट करेंगे ना कंसेप्ट हम क्लियर, फिर भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट सिखा ही रहे हैं, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको पहले अब देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स महत्वपूर्ण रिजल्ट देखिए यहाँ पे क्या है, आइए यहाँ देखा जाए। पहली बात सुनिए यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए ठीक है और इनटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए है ना इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, इतना रिजल्ट होता है, इसे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, इसे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं राइट। आई होप आप बात को समझ रहे हैं राइट। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा रिजल्ट क्वेश्चन रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट देखिए, दूसरा रिजल्ट क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, याद रखिएगा रिवर्स हो जाता है। तीसरा बात समझिए, तीसरा बात एडजॉइंट ऑफ आई क्या होता है, तो ये हो जाता है आई का आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है आई होता है, ये सब पूछता है एग्जाम में, हमारा नहीं क्या हो सकता नहीं आपको बस देखते चलिए। देखिए अगर ए क्या एक मैट्रिक्स है एन बाई एन ऑर्डर का, देन देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो लिखते हैं क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे और एन माइनस वन कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे और एन माइनस वन कर देंगे, इतना सारा बात समझिए,
एक और लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स बराबर जीरो मैट्रिक्स होता है। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स होता है। और सुनिए छठा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। ये 6.1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पॉइंट आपको नोट करने हैं, इस पर हम क्वेश्चन बना रहे हैं और समझा रहे हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लेने की आपको आवश्यकता आ गई, स्क्रीनशॉट लीजिए, मजा आएगा आपको, ठीक है ना, समझकर क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको। क्वेश्चन जब करिएगा ना क्या होगा, कंसेप्ट जो आएगा है आपका काफ़ी डेवलप होगा और आपको समझ में भी अच्छा से आएगा। चलिए जितना हो सकता है वो उतना ही बता रहे हैं, ठीक है, हड़बड़ सड़बड़ वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। चलिए आइए यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन, करें इफ ए इज इक्वल टू 0002 ये दिया हुआ है, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होगा। अच्छा ये जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, या सब्जेक्टिव पूछे दो मार्क में तो अब क्या होगा। यहाँ देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है 4, 0, 0, 0, 3, 0 है ना, फिर 0, 0, 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, तो बताए थे ना हम कि जब ऐसा रहे ना तो एक को चूज करेंगे बाकी जीरो को छोड़ते हैं, तो 4 × डिलीट कितना बचेगा 3002, बाकी सब जीरो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा ये 4 × 3 = 6, 6 × 24। और ऐसे ही बताए थे कि जब डायगोनल मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तुरंत क्या करेंगे आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 3 = 24 कर सकते हैं ना, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख के ही बना सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट लिखे कोई दिक्कत नहीं है, 24 आ गया। अब क्या है यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और इसका कितना ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है इसका 3/3 है, तो क्या लिखेंगे n-1, तो क्या होगा इसका मतलब 24 का पावर कितना होगा 2, 576 कितना गया आपका आंसर 576 आ गया। फार्मूला पुटिंग मैथ है, फिर समझिए एक बार, बहुत कमेंट पर ध्यान नहीं देना है, बहुत लोग कहना है फिर समझा दीजिए सर, मतलब कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना, तब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, इस मैट्रिक्स से क्या करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट निकाल देंगे, कितना गया हमारा 24 आ गया, ठीक है ना, 24 आ गया डिटरमिनेंट, सिंपल तरीके से निकालिए 24 आ गया। अब ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या बताएं, डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1, ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, क्लियर। अब सुनिए उसके बाद 576 हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, हड़बड़ाने की जरूरत है आपको नहीं है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आइए यहाँ देखा जाए, समझिए बढ़िया से, यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है,
क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर क्या है, पांच पांच अल्फा, फिर अल्फा, फिर जीरो अल्फा, पांच अल्फा, जीरो जीरो पांच, है ना, ऐसे दिया गया है मैट्रिक्स है, इफ ऐसे दिया गया है, ठीक है। दिया गया ऐसे, कह रहा है कि इफ इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट जो है वो किसके बराबर है, सॉरी हाँ ठीक है 25 के बराबर है, तो यहाँ से मॉड अल्फा कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन जानना जरूरी है, जानना क्या है जरूरी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, सुनिए क्या करना है, यहाँ पे समझिए बढ़िया से। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, पाँच पाँच अल्फा अल्फा राइट, जीरो अल्फा पाँच अल्फा, जीरो जीरो पाँच, ये हमारा मैट्रिक्स दिया गया है। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, देखिए हम बताए थे कि सबसे अधिक जीरो किस रो या कॉलम में है, या तो इसमें है चाहे इसमें है, इसी को चूज कर लेंगे तो क्या होगा, पाँच इंटू डिलीट आ डिलीट, ये ना बच गया तो पाँच अल्फा सीधे बन जाएगा यहाँ पे पाँच अल्फा, है कि नहीं, माइनस जीरो, ये ना होगा, मतलब ऐसे से ना हो जाएगा, तो कितना हो गया 25 अल्फा हो गया, 25 अल्फा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना है, 25 अल्फा के बराबर है। तो नाउ यहाँ पे अब कहानी यहाँ शुरू हो रही है, कहानी यहाँ शुरू हो रही, क्या देखिए यहाँ पे आइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर कितना है, 25 दिया गया है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे बताइए, इसको लिख सकते हैं ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, एक बात याद रखिएगा क्योंकि डिटरमिनेंट ए का पावर एन का डिटरमिनेंट, अच्छा है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन ऐसे ही भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिए अगर चीज़ को नहीं जानते तो लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा। क्वेश्चन करा रहे हैं तो कुछ समय लेना पड़ेगा ना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो सुनिए क्वेश्चन दिया गया है, इसका क्या किया हमने, डिटरमिनेंट निकाल दिया, यहाँ पे आ गया 25 अल्फा। अब हमारे पास ये कंडीशन दिया हुआ, इसमें रखेंगे लाके यहाँ पे रखिए, तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए के डिटरमिनेंट के स्क्वायर के बराबर होगा, बराबर कितना दिया है 25। आगे आते हैं, चलिए यह क्या हो जाएगा, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना है 25 अल्फा, 25 अल्फा का स्क्वायर यहाँ है ना, स्क्वायर है यहाँ पे, क्लियर, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर किया, बराबर कितना है 25 है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 25 गुने 25 गुने अल्फा स्क्वायर बराबर 25, कट जाएगा ये को, ये अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/25 होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे अल्फा बराबर क्या होगा प्लस माइनस 1/5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या रूट होगा तो प्लस माइनस आएगा, तो इसलिए अल्फा का मॉड क्या हो जाएगा सिर्फ 1/5 होगा। क्यों ऐसे हुआ, अल्फा का मॉड 1/5 क्यों हुआ, क्योंकि क्या हो गया, इसलिए 1/5 लिखा हमने क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्लियर बात समझ आ गया ना। तो हमने क्या किया, डिटरमिनेंट का मान निकाल दिया, इसको इसमें जाकर रख दिया, संतुष्ट हो गया, बस यही चीज़ है, मॉड अल्फा का मान क्या होगा 1/5 होगा, मॉड अल्फा का मान क्या होगा 1/5 होगा, बात को समझ पा रहे हैं बढ़िया से, क्लियर। चलिए तो इस तरह से जब काम करेंगे ना आप तो काफ़ी आसानी समझ में आएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं बात को अच्छा से, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस तरीके से एडजॉइंट वाला जो टॉपिक रहा ना, एडजॉइंट वाला टॉपिक आपका पूरा ख़त्म हो गया, समझ पा रहे हैं, इतना बात तो समझ गए आप। चलिए ये सब बात समझने के बाद अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं,
नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या चीज़, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, उस टॉपिक से प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में। तो क्लास कैसा लगा अब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और फिर इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।